हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली सीखने के लिए जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आ वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं होगी तो बहुत सारी चीजों की आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जब मैं वेबसाइट की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एक डेवलपर हमें चाहिए होगा, उसे हमें वेबसाइट बनवानी होगी, फिर जाकर हम डिजिटल मार्केटिंग की उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, जो वेबसाइट का सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, दैट इज अ ब्लॉग। और एक ब्लॉग आप वर्डप्रेस के ऊपर खुद से भी जो है वो सेटअप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ना एक सुंदर सा ब्लॉग बना देंगे, बट जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, अगर उन्होंने इतना स्टेप भी नहीं लिया, फिर आप इस चीज को प्रैक्टिकली नहीं सीख पाएंगे। अब बात करते हैं कि एक ब्लॉग को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब कुछ प्रैक्टिकली सेटअप करने जा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो साथ ही साथ आप जो है प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं और आपका जो ब्लॉग है वो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो रेडी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर हमें किसी ब्लॉग को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले देखिए, आपके पास एक ना निश होनी चाहिए कि आखिर मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ या उसके ऊपर जो मैं कंटेंट डालूंगा वो किस निश में डालूंगा, राइट? सो सबसे पहले देखिए, निश सिलेक्शन के लिए जो सबसे बेसिक सी चीज़ है वो ये है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करो तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं बड़ी आसानी से पोस्ट लिख सकता हूँ, कॉन्टेंट लिख सकता हूँ, मुझे मजा आएगा, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा उसमें। सो इस तरीके से आप अपनी निश जो है वो डिसाइड करें। इस चक्कर में मत रहे कि वो बंदा इस निश के ऊपर काम कर रहा है, वो फला बंदा इस निश के ऊपर काम कर रहा है, चलिए हम भी इस निश के ऊपर काम करने लगे, या इस निश में बहुत ज्यादा पैसा है तो हम इस निश के ऊपर काम करने लगे। देखिए, वो टेम्परेरी आपको लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको उस चीज में मजा नहीं आता है, आप उससे खुद का ना जुड़ाव जो है वो नहीं महसूस करेंगे। और जो कंटेंट क्रिएशन है, जब मैं ब्लॉग की बात करता हूँ, ब्लॉग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन, राइट? और उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर मजा नहीं आएगा, फाइन? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो एक ब्लॉग जो है वो बनाऊंगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ना एक होस्टिंग चाहिए होगी, क्योंकि जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो कहाँ पर होगी, तो मुझे एक होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग के साथ साथ मुझे डोमेन चाहिए, डोमेन के साथ साथ मुझे SSL चाहिए। अब क्योंकि आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे बेहतर और सबसे सस्ता जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, सो इसका जो सबसे आसान सोल्यूशन है, दैट इज होस्टिंगर। आप होस्टिंगर का यूज कर सकते हैं होस्टिंग बाई करने के लिए, डोमेन बाई करने के लिए, SSL बाई करने के लिए, और काफी इकोनॉमिकल है ये, तो आपकी जो शुरुआत है वो काफी अच्छी जो है वो हो जाएगी, राइट? सो आपको यहां पर सिंपली टाइप करना है hostinger.in/umar। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो आप यहां पर आ जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए, जब आप अपना वेब होस्टिंग का प्लान सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान है। जैसे यहां पर सिंगल वेब होस्टिंग जो है वो 69 रुपीज पर मंथ है, केवल 69 रुपीज पर मंथ। उसके बाद प्रीमियम वेब होस्टिंग है और उसके बाद बिजनेस वेब होस्टिंग है। सो ये वाला जो प्लान आप देख रहे हो, 149 रुपीज पर मंथ वाला प्लान, मैं आपको ये वाला प्लान रिकमेंड करूंगा, आप इससे शुरुआत करिए। अब देखिए, इसमें जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं, आप 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, 100 GB का SSD स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, और खास बात क्या है कि आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जा रहा है, तो डोमेन के लिए आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, फ्री ईमेल मिलेगा आपको, मैनेज्ड वर्डप्रेस होगी, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो आप इसको सिंपली ऐड टू कार्ट कर लीजिए, राइट? और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, कितने दिनों के लिए आप इस होस्टिंग को लेना चाहते हैं, राइट? सो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको सारे इनके फीचर्स जो है वो दिखाई देंगे। शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर जो प्लान है वो नहीं है, राइट? सो आपके पास यहाँ पर 1 मंथ का जो प्लान है वो आपको दिख रहा है, 12 मंथ्स का दिख रहा है, 24 मंथ्स का दिख रहा है, 48 मंथ्स का दिख रहा है। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो होस्टिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी काम करना चाहते हैं तब भी ये वाला जो प्लान है वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हैं। एक तो आपकी वेबसाइट प्रैक्टिस वाली हो गई, कल को आप कोई दूसरी वेबसाइट होस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12 मंथ्स का तो प्लान एटलीस्ट लें, उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। और होस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को आपको बनाना रहेगा तो पड़ेगी ही, बट फिर भी मैं आपको मिनिमम ना 12 मंथ्स तो रिकमेंड करूंगा ही करूंगा, आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, राइट? सो इसके बाद अगर आपका होस्टिंगर के ऊपर अकाउंट है तो आप लॉग इन कर लीजिएगा यहां से, वरना आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको यहां पर पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। सो दे ऑल्सो हैव अ कूपन कोड ऑप्शन ओवर हियर, मैं
आपको अपना कूपन कोड दे देता हूँ 10% फ्लैट डिस्काउंट के लिए। सो आपको सिंपली टाइप करना है उमर, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, राइट, जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्लैट जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। फाइन, तो 3,000 रुपए में आपको ये वाली जो आपकी 12 महीने की होस्टिंग है ये मिल जाएगी विद सो मेनी फीचर्स, राइट। सो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर गूगल से लॉग इन करने के बाद सीधे पेमेंट कर देंगे। मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा और ये जो भी मेरी आईडी यहाँ पर लॉग इन होगी उससे ये जो हमारा होस्टिंगर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। गूगल से ही हम लोग लॉग इन कर रहे हैं, आप चाहें तो सेपरेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपना अकाउंट, बट हमने गूगल से कर दिया। नाउ आई विल मेक द पेमेंट, पेमेंट करने के बाद फिर हम लोग आगे की प्रोसेस जो है वो करेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो वंस यू विल मेक योर पेमेंट, आपको ये वाला जो डैशबोर्ड है ये ओपन होकर दिख जाएगा। तो आपकी वेब होस्टिंग यहाँ पर है और आप अपना फ्री जो डोमेन है वो यहाँ से क्लेम कर सकते हो। मैं इसको सेटअप करूंगा, जो हमारी होस्टिंग है, राइट, स्टार्ट नाउ हमें करना है। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, राइट, परफेक्ट है। आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, इसको मैं कर दूंगा। और हम लोग एक ब्लॉग जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं, वी आर अ बिगिनर, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इस सब चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट करना है, माइग्रेशन हमें नहीं करना है क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो हम जो है वो नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे और प्लेटफॉर्म हमारा वर्डप्रेस रहेगा। ध्यान रखिएगा, होस्टिंगर बिल्डर अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, एंड देन सेलेक्ट वर्डप्रेस आप कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको जो आपका एडमिन पासवर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। फाइन, अभी मुझे कोई प्लगइन नहीं यूज करनी है, एक बार मेरा वर्डप्रेस सेटअप हो जाएगा तो वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स का इस्तेमाल होता है वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, अभी मुझे नहीं करनी है, राइट। तो स्किप मैं कर दूंगा इस चीज को, फाइन, एंड देन वी विल नॉट सेलेक्ट द टेम्पलेट ऑल्सो, बट हमें फ्री डोमेन जो है हमारा वो हम यहाँ से क्लेम करेंगे। फाइन, सो मैं सेलेक्ट करता हूँ और जो भी डोमेन आपने सोचा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। सर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या डोमेन जो है वो सोचा हुआ है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको .com लेना है, ये क्या लेना है, और आप अपना डोमेन जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। One eternity later. So, डोमेन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। सो हमने डोमेन जो है वो सेलेक्ट किया है learnfrommarketers.com, राइट। तो किस तरीके से आपको इसको रजिस्टर करना है, आपको इसको एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर करना है, एज अ कंपनी रजिस्टर करना है, दैट यू कैन सेलेक्ट। मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, राइट, और मैं इसमें सारी चीज़ें भर देता हूँ एक बार के लिए। सो आफ्टर फिलिंग द इन्फॉर्मेशन हमें फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ वील क्लिक ऑन फिनिश सेटअप एंड इट इज जस्ट इंस्टॉलिंग सेटिंग अप थिंग्स। डोमेन रजिस्ट्रेशन के टाइम हो सकता है कोई वेरिफिकेशन का आपका रिस्पेक्टिव ईमेल के ऊपर मेल भी आए, तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा आप। सो सेटअप के बाद आप ये वाला इंटरफेस देखेंगे। नाउ अगर आप एडिट योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे जो है वो आपका जो वर्डप्रेस का बैकएंड होता है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इस टाइप से अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएं आप, आपका जो डोमेन था आप सीधे wp-admin यहाँ पर टाइप करें। यहाँ पर डोमेन के साथ आपको wp-admin टाइप करना है और अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर जाएंगे तो जो आपने स्टार्टिंग में ना पासवर्ड वहाँ पर रखा हुआ था उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको वही वाला जो है वो मेंशन करना है यहाँ पर। तो मैं एक बार के लिए इसको सेलेक्ट कर, सो नाउ पासवर्ड डालने के बाद आप लॉग इन करेंगे तो सीधे आप अपने बैकएंड में जो है वो आ जाएंगे। नाउ हमें यहाँ पर थीम्स को सेटअप करना है, थोड़ा सा इंटरफेस बनाना है सो दैट जब हम पोस्ट डालें थोड़ी सी ठीक चीज़ें लगे, तो उनको सब हम लोग एक एक करके सेटअप करेंगे। शुरुआत करने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर चीजें ऐसे ही रहेंगी, फिर आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कुछ चीजें नहीं है। तो बहुत ही छोटे से स्टेप्स आपको लेने हैं, होस्टिंग डोमेन बाई करनी है और थोड़ा सा वक्त देना है। बहुत सारी चीजों को आप प्रैक्टिकली खुद कर सकते हैं, या अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं या आप इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं और वहां से कोई चीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भाई शुरुआत करने के लिए वेबसाइट तो होनी चाहिए ना, तो इस टाइप से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। सो अगर हम अभी के टाइम पे वेबसाइट के ऊपर जाएं तो कुछ हमें इस टाइप की जो वेबसाइट है वो दिखाई दे रही है, बट हमें इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह करने हैं और शुरुआत जो है वो करनी है। हाँ, तो जो वर्डप्रेस का बेसिक सेटअप है ना, अब वो सेटअप यहाँ पर हो चुका है, मतलब हमारा डोमेन जो है वो सेटअप हो गया, होस्टिंग जो है सेटअप हो गई, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो SSL सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर सेटअप हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो होस्टिंगर का वाला प्लान लिया था उसमें लाइफ टाइम SSL आपको मिलता है। कन्फर्म अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर चले जाएं, राइट, जैसे अगर आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको एडिटर वेबसाइट दिख रहा था और कंट्रोल पैनल दिख रहा था। कंट्रोल पैनल इज बेसिकली एच पैनल। तो जब आप एच पैनल पे अपने जाएंगे वापस और यहाँ पर अगर आप जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर और SSL के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे मैं SSL के अंदर जाता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारा डोमेन था और इसके ऊपर जो SSL टाइप है वो भी आप देख रहे हैं। लाइफ टाइम SSL जो है वो यहाँ पर आपको मिल चुका है। क्यों मिला है? क्योंकि हम लोगों ने वो जो प्लान लिया था उसी में लाइफ टाइम था। और आपको जो कूपन कोड है वो भी मिल जाएगा उमर। तो शुरुआत करने
करने के लिए अब इससे अच्छी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत नहीं करते, फिर बोलते हैं कि हमारे पास वेबसाइट नहीं, ये चीज़ नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फाइन, तो वापस आते हैं हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये हमारी वेबसाइट है। अभी अगर आप देखें तो इसका इंटरफेस आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो डिफॉल्ट थीम है वो है। तो वर्डप्रेस जो है वो एक थीम के ऊपर काम करता है, थीम और प्लगइन्स से काम करता है, राइट। तो कुछ भी अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर करना है, सबसे पहले आपको जो थीम है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स के लिए अलग अलग थीम्स जो है वो है, अलग अलग प्रेफरेबल थीम्स जो है वो होती हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये वाली भी हमारी एक डेमो वेबसाइट है, और इस डेमो वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा थीम जो है उसको इंस्टॉल कर रखा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने WooCommerce प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है। WooCommerce प्लगइन को क्यों इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि हमारी डेमो वेबसाइट है, और कई बार मुझे आपको ई कॉमर्स रिलेटेड इवेंट्स की ट्रैकिंग और ये सारी चीज़ें सेटअप करके बतानी होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई जो एक फ्लो होता है ना ई कॉमर्स का, जैसे व्यू कॉन्टेंट हुआ, एड टू कार्ट हुआ, इनिशिएट चेकआउट हुआ, परचेज हुआ, तो ये फ्लो जो है वो आपको दिखना चाहिए, और उस पर जो रिस्पेक्टिव टैग्स वगैरह हम लोग फायर कर रहे हैं वो आपको दिखने चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो WooCommerce का सेटअप हो। तो अगर आप किसी थीम के ऊपर WooCommerce का सेटअप कर देंगे, और खास बात ये है कि WooCommerce का सेटअप करते टाइम भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप अपने डेमो प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट्स हो, डेमो प्रोडक्ट्स की भी एक फाइल मिलती है, उसको भी आप अपलोड करके इस टाइप का जो इंटरफेस है वो देख सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। बट हम लोग क्योंकि ब्लॉग की यहाँ पर बात करें कि ब्लॉग की किस तरीके से शुरुआत करी जा सकती है, उसके लिए बेहतर ये रहेगा, या जो बिगनर्स हैं उनके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप जनरेट प्रेस जो थीम है उसका इस्तेमाल कर लें। तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के बैकएंड में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस के बैकएंड में WP एडमिन करके आप आ सकते हैं। जो आपने यूजर नेम पासवर्ड शुरुआत में सेलेक्ट किया था उसी को एंटर करने की जरूरत है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बता दूं। यहाँ पर होस्टिंगर इसलिए दिख रहा है कि होस्टिंगर की जो प्लगइन है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है इसके अंदर। तो पहले तो आप यहाँ पर प्लगइन्स में चले जाइएगा, और जिन प्लगइन्स की आपको ज़रूरत नहीं है ना, उन प्लगइन्स को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इन प्लगइन को जो है वो इनएक्टिव कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं इन प्लगइन्स को। सो दिस यू कैन बेसिकली डू, ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर चला जाऊँ और मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं प्लगइन्स को यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। फर्दर मुझे ऐड करनी होगी तो हम ऐड कर देंगे। अब जो अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर प्लगइन्स रहती हैं आपकी, जैसे योस्ट हो गए, या अगर आप जो है वो रैंक मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हो गई। तो वो प्लगइन्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें समझना है कि बाकी चीज़ें क्या है। देखिए, जितने भी आप ब्लॉग पोस्ट डालते हैं उनको आपको पोस्ट के अंदर डालना होता है, और जो भी आप जैसे कोई इमेज वगैरह अपलोड करेंगे तो वो मीडिया के सेक्शन के अंदर आ जाएगा। जो भी आप पेजेस बनाएंगे, भाई वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेजेस बेसिकली, तो बहुत सारे पेजेस हमें ब्लॉग के ऊपर बनाने पड़ते हैं, रिकमेंडेड हैं, मतलब कंपलसरी है, एक तरीके रिकमेंडेड नहीं कंपलसरी है। जैसे अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, डिस्क्लेमर का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस हैं ये आपको बनाने पड़ेंगे अपने ब्लॉग के लिए, तभी बहुत सारी चीज़ों में आपको अप्रूवल मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड ब्लॉग में ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, फाइन। और उसके बाद जो भी आप पोस्ट्स करते हैं, जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट किया और उसके ऊपर आपको पोस्ट करनी है, उसके ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है, तो वो वाला सेक्शन हमारे पोस्ट के अंदर ही जाता है। तो पोस्ट भी एक्ट करता है एज अ पेज, मतलब सारी पोस्ट पेजेस हैं बट सारे पेजेस पोस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अबाउट अस का पेज क्या कोई पोस्ट है? नहीं है। कॉन्टेक्ट अस का पेज पोस्ट नहीं है, बट अगर मैं कोई पोस्ट लिखता हूं तो वो एज अ पेज जो है वो एक्ट करता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा यहां पर, फाइन। उसके बाद आपको जो है आपकी थीम जो है वो सेटअप करनी, बाकी सारी जो सेटिंग्स हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। बट इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी थीम जो है वो सेटअप करनी है। तो अपीयरेंस में जाएंगे, थीम में जाएंगे, यहाँ आपको बाकी के फीचर्स लेने दिख रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो है हमारी कोई थीम सेलेक्टेड नहीं है, तो मैं ऐड न्यू करता, मतलब नई थीम नहीं सेलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट जो है वही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जनरेट प्रेस की जो थीम है, शुरुआत करने के लिए आपके लिए बहुत ही सही थीम है, बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत ही इजी टू कस्टमाइज है, तो शुरुआत करने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो जनरेट प्लस थीम को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर देना और उसके बाद एक्टिवेट कर देना। वापस आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। अब जो पहले आपको इंटरफेस दिख रहा था वैसा आपको इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं, आप तो ये हमारा इंटरफेस चेंज हो गया। यहाँ पर वेबसाइट का नाम आ गया, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज टाइटल, तो वेबसाइट का टाइटल आपके पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपके पास जो आप पेजेस बनाएंगे वो आपको यहाँ पर दिखते जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ कैटेगरीज बनाकर। ये जो विजेट साइड में दिख रहा है इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जो भी हम पोस्ट करेंगे वो सारी पोस्ट हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई देंगी, एक के बाद हमारी जो पोस्ट हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। नाउ हमें क्या करना है, जैसे थीम हमने सेटअप
कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, कुछ चीजें आपको सेटअप करनी पड़ेंगी, जैसे साइट टाइटल हो गया, टैगलाइन अगर डालनी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर इसको HTTPS कर दो क्योंकि SSL सर्टिफिकेट तो आपने ले ही रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं हम लोग एक बार के लिए। लॉग आउट हो गया, मैं वापस इसमें लॉग इन कर लूंगा क्विकली। एंड देन हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे परमा लिंक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कस्टम स्ट्रक्चर अगर आपके सेलेक्टेड है तो बिल्कुल गलत है, ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, पोस्ट नेम। तो आपका जो URL का स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, जैसे ये तो हो गया हमारा डोमेन, तो ये तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं डोमेन हो गया, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं जो भी हमारी पोस्ट होगी वो यहाँ पर हमारी शो होगी। तो ये हमारे डोमेन के सबसे नियरेस्ट रहेगा, बिल्कुल क्लोज रहेगा। तो यहाँ पर हम कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये चीज़ें आपको सेटअप कर देनी हो। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पेजेस जो हैं वो आपको पहले से ही बना के यहाँ पर रखने पड़ेंगे। जैसे मैं पेजेस के ऊपर जाऊंगा और ऐड न्यू मैं करूंगा, तो एक पेज हो गया हमारा अबाउट अस का पेज, ठीक है, एक पेज हो गया। और उसके बाद अबाउट अस का कंटेंट भी हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत है, उसको कुछ डिजाइन वगैरह देना चाहते हैं आप तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पर, और हमें कंटेंट तो यहाँ पर लिखने की जरूरत ही है। तो अबाउट अस जैसे पेज हो गया, मैं एक बार इसको पब्लिश कर देता हूँ अबाउट अस पेज को, और हम लोग देखते हैं। देखो ये वाला जो है हमारा पेज वो अबाउट अस पेज हो गया है, ठीक है। अब बीच में आपको यहाँ पर index.php दिख रहा होगा, ये जो index.php आपको दिख रहा है इसीलिए दिख रहा है क्योंकि शायद यहाँ पर ना हमारा जो चेंज हम करने की कोशिश कर रहे थे वो शायद क्लिक नहीं हुआ था, सेव नहीं हुआ था बेसिकली। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ परमा लिंक्स में, हम लोग जाते हैं पोस्ट नेम पे क्लिक होके बेसिकली सेव नहीं हो पाया था इसलिए आपको दिख रहा था। और अब जो हमारा पेज था ना उसके ऊपर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अबाउट अस का पेज बनाया हुआ है, पेज ओपन करते हैं, राइट। और पेज का जो हमारा URL है उसको हम लोग देख लेते हैं, दिस इज द URL ऑफ पेज। मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पर जो आपको इंडेक्स करके बीच में दिख रहा था वो अब आपको नहीं दिख रहा है, बट अबाउट अस का कुछ कंटेंट तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ना। तो देखिए चाहे अबाउट अस हो, चाहे डिस्क्लेमर हो, चाहे टर्म्स एंड कंडीशंस हो, चाहे वो कुकीज की पॉलिसी हो, इन सब के ना जनरेटर्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डालता हूँ ना, तो बहुत सारे फ्री जनरेटर्स आपको मिल जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर्स के, ठीक है। तो उसमें केवल आपको छोटी सी अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी ये मांग रहे हैं वो आपको मेंशन करनी है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और वो आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना वो प्रॉपर जनरेट करके आपको दे देंगे। इसी तरीके से अगर आपको डिस्क्लेमर जनरेट करना है वो दे देंगे, अबाउट अस जनरेट करना है वो दे देंगे। जनरेट करने के बाद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसको मेंशन करके फिर आप जो है वो उसको पब्लिश कर दीजिएगा आपका जो पेज है, फाइन। इसी तरीके से हमें कुछ प्लगइन्स भी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि योस्ट हो गया या रैंक मैथ हो गया, उन प्लगइन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पेजेस हो गए जो आपको बनाने ही है, फाइन। अब जो हम कंटेंट डालेंगे ना वो कैटेगरीज में होगा, जो हम लोग पोस्ट डालेंगे वो कैटेगरीज में होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोई ब्लॉग बनाना है तो मेरी कैटेगरीज कैसी होंगी, मैं SEO के बारे में लिखूंगा, मैं PPC के बारे में लिखूंगा, मैं मार्केटिंग फंडामेंटल्स के बारे में लिखूंगा, मैं लेट्स से यूट्यूब के बारे में लिखूंगा, मैं गूगल एड्स के बारे में लिखूंगा। तो इस टाइप से जो वेबसाइट होती है ना, जैसे ये वेबसाइट है तो यहाँ पर जो मेन्यूज़ है ना, मेन्यूज़ जो मेरे को बनाने हैं ना वो कैटेगरीज बनानी है ताकि पोस्ट ऑटोमेटिकली उन कैटेगरीज में चली जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए हम लोग पोस्ट में जाएंगे और कैटेगरीज में जाएंगे, राइट, और न्यू कैटेगरी हमें बनानी है। तो न्यू कैटेगरी का नेम मैं रख देता हूँ एक बार के लिए, जो हमारी न्यू कैटेगरी है वो हो गई हमारी SEO, ठीक है, एंड स्लग इज SEO, राइट। और ये हमारी पेरेंट कैटेगरी में कुछ बाकी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं और ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं। तो एक हमारी SEO हो गई, एक हमारी गूगल एड्स की कैटेगरी हो गई, राइट। और यहाँ पर इसी तरीके से मैं गूगल एड्स मेंशन कर दूंगा, ऐड न्यू कैटेगरी हो गई। इसी तरीके से एक हमारी फेसबुक एड्स की कैटेगरी हो गई, इसको भी मैं यहीं पर मेंशन कर दूंगा फेसबुक एड्स और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी हमारी जो कैटेगरीज हैं ये हमारी कैटेगरीज बन गई हैं, फाइन। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, SEO और एक अनकैटेगराइज है उसको पढ़ा रहे हैं तो आप। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मार्केटिंग की भी हम एक कैटेगरी बना सकते हैं मार्केटिंग की, और मैं यहाँ मार्केटिंग लिख देता हूँ। सो मार्केटिंग की बन गई, ये हमारी न्यू कैटेगरी बन गई। तो अब कैटेगरीज बन गई यहाँ, ये बैकएंड में कैटेगरीज है, इसके अंदर कुछ कंटेंट अभी नहीं पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से अपेयरेंस के ऊपर और मेन्यूज के ऊपर, राइट। सो मेरे को एक मेन्यू बनाना है, ठीक है। तो मेन्यू में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए मैं इस चीज़ को नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, होम तो रहेगा, होम को कस्टम लिंक पे हम लोग कर देंगे। बाकी के जो कैटेगरीज है ना वो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जैसे फेसबुक एड्स और ये जो कैटेगरीज है ना मैं इनको मेन्यू में सेलेक्ट कर दे। तो होम रहेगा हमारा फेसबुक एड, गूगल एड्स, मार्केटिंग, SEO, ये हमारी चार कैटेगरीज हो गई। सो मेन्यू जो है हमारा, ये जो भी कैटेगरीज डालने के बाद अब ये वाला इसके डिस्प्ले लोकेशन क्या होगी, जो प्राइमरी मेन्यू होता है ना वो इसके डिस्प्ले लोकेशन होगी। तो मैं सेव मेन्यू कर दूंगा यहाँ पर
वापस आएंगे हम लोग और वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो वेबसाइट लेने लगी हमारे, ब्लॉग जो है वो लेने लगा। तो ये फेसबुक एड्स के ऊपर जाएंगे तो अभी कोई कॉन्टेंट ही नहीं है फेसबुक एड्स के अंदर। गूगल एड्स के ऊपर जाएंगे तो आप देखो गूगल एड्स के ऊपर भी कोई कंटेंट नहीं है। मार्केटिंग में जाएंगे कोई कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, दिस इज द होम पेज। बट अगर मैं मार्केटिंग के अंदर कोई पोस्ट लिखना चाहूँ, कोई ब्लॉग लिखना चाहूँ, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वापस आना है यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर और हमें जाना है इस बार पोस्ट में, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड की जो एक पोस्ट है ना, इसको अभी पढ़ा रहने देते हैं हम लोग, ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए ना एक डमी डेटा यहाँ पर निकाल रखी है, राइट, एंड द टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो सपोज मुझे इसके ऊपर लिखना है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और यहाँ से हम लोग इस टाइप से जो है वो कंटेंट ले लेते हैं। तो मैं क्विकली ना सारा कंटेंट एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। Many hours later. So, इस टाइप से मैंने कुछ एक कंटेंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारी मेन हेडिंग हो गई है। फिर इसके बाद जो हमारे ब्लॉग के अंदर कुछ इमेजेस वगैरह हैं उनको मेंशन किया हुआ है। कुछ मैंने यहाँ पर जो है वो सब हेडिंग जो है उनको भी मेंशन किया हुआ है। जैसे आप चाहें तो इसको और न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। ये पॉइंट वन हो गया हमारा, ये पॉइंट टू हो गया। मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर SEO की चीज़ों को यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं यूज़ किया है। आप जब कोई भी ब्लॉग लिखेंगे तो जो SEO के फंडामेंटल्स हैं, SEO की जो सारी चीज़ें उनको आप ध्यान में रख के ब्लॉग लिखेंगे। मैंने केवल आपको बताने के लिए किस टाइप से जो है वो पेज स्ट्रक्चर ले सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। और इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे ये जो इमेजेस हैं इनके ऑल टेक्स्ट वगैरह आपको मेंशन करने पड़ेंगे, इस पोस्ट का जो फीचर्ड इमेज है वो आपको लगानी पड़ेगी, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को सेटअप जो है वो करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं फीचर्ड इमेज में कोई इमेज अभी एज ऑफ नाउ अगर कोई मैं इमेज लगाना चाहूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये हमारी फीचर्ड इमेज है जो ब्लॉग के साथ हमारी दिखाई देगी। सो दिस इज अवर फीचर्ड इमेज, मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। और उसके बाद हमें परमालिंक ज़रूर देखना है, राइट। सो मैं वापस आता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर कैटेगरीज में मुझे सेलेक्ट करना है कि इसको मुझे किस कैटेगरी के अंदर डालना है, तो मैं मार्केटिंग के अंदर डाल देता हूँ इसको। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर परमालिंक के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे URL में ना इस बार परमालिंक आप देख रहे हो यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग करते हैं इसको पब्लिश, ठीक है, और व्यू पोस्ट करते हैं। तो इस टाइप से देखिए आप हमारी पोस्ट जो है, जो शुरुआत में हम लोगों ने सेटिंग में पोस्ट का URL का जो चेंज किया था कि किस टाइप से हमारा URL दिखना चाहिए, पोस्ट नेम दिखना चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइन। सो अगर मैं होम पे आ जाऊँ तो होम पे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल एक ही पोस्ट की है, तो वो आपको यहाँ पर एक जो पोस्ट है वो यहाँ पर होम के ऊपर दिख रही है, ठीक है। और ये वाली जो पोस्ट है हमारी मार्केटिंग कैटेगरी में तो यहाँ पर दिख रही है, बट गूगल एड्स वगैरह में आप जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो एस्थेटिकली हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉमेंट्स वगैरह हैं, रीसेंट पोस्ट वगैरह जो हम लोग डालेंगे वो आपको दिखानी या नहीं दिखानी, ये सारी चीजें आप यहां पर चेंज कर सकते हैं किस टाइप से आपको इसको डिजाइन वगैरह देना है। बट जो पर्पस था ना वीडियो का कि शुरुआत कैसे करी जाए, वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, ब्लॉग्स, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।